manner. It's not. You're just like my kid. No, no, if my father sins it, I disown him. It's a funny thing. No, it's not, sir. It's not. 26-11 was not funny. Islam terrorism is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No, no, no. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas, how can you call me like that? No problem. In front of so many people, in a class. Sorry, I told you. You're a professional, you're teaching. Yeah, sorry, example. You can't call me that. Sorry, I told you. Hurry, sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम शिक्षा संस्थानों में इस्लामोफोबिया की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस्लामोफोबिया यानी मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम दुर्भाग्य से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह हो रहा है। इस चिंताजनक परिस्थिति का दूसरा पहलू ये है कि नई पीढ़ी हर जगह इसका मुंह तोड़ जवाब देकर विरोधियों के दांत खट्टे कर रही है। पिछले दिनों कर्नाटक में एक ऐसी घटना घटी कि छात्र ने शिक्षक को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। राजस्थान के अंदर लाख डराने धमकाने के बावजूद एक छात्रा पुलिस थाने में पहुंच गई। इन दोनों घटनाओं में मुस्लिम युवकों ने बड़ी बहादुरी का प्रमाण दिया। ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये एक सच्चाई है कि सफलता रोने वालों को नहीं मिलती, बल्कि लड़ने वालों का चरण स्पर्श करती है। कर्नाटक वो राज्य है जहां मुस्कान खान ने हिजाब का विरोध करने वालों को अल्लाहू अकबर की घोषणा करके परास्त कर दिया था। सारी दुनिया में मुस्कान खान का महिमा मंडन हुआ और हिंदुत्ववादियों की आलोचना हुई। सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला हो गया। अभी हाल में मणिपाल के अंदर एक प्रोफेसर ने मुस्लिम छात्र को क्लास में अजमल कसाब के नाम से पुकारने की गलती कर दी। इस पर छात्र बिफर गया। दोस्तों ने उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। देश भर में वीडियो के चर्चे हुए और प्रोफेसर पर टीका होने लगी, तो कॉलेज प्रशासन को शिक्षक पर एक्शन लेना पड़ा। इस वीडियो में, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देखें कि क्लासरूम में प्रोफेसर मुस्लिम छात्र से नाम पूछता है और जवाब सुनकर कहता है, अच्छा तो तुम कसाब की तरह हो। उसका इशारा मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले में फांसी की सजा पाने वाले अजमल कसाब की ओर था। बस फिर क्या था, छात्र एक शेर की भांति झपट कर जवाब देता है कि आप जो नाम पुकार रहे हैं वो मुझे मान्य नहीं है और वो किसी हाल में इस नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस अचानक हमले से घबराकर प्रोफेसर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन स्वाभिमानी छात्र का गुस्सा कम नहीं होता। वो कहता है, 26/11 कोई मजाक नहीं है, वैसे भी आए दिन देश का मुसलमान परेशान किया जाता है। इस विरोध के बाद प्रोफेसर के होश ठिकाने आ गए और उन्हें पता चल गया कि गलत आदमी से पंगा ले लिया गया है। अब वो छात्र का भावनात्मक शोषण करने की खातिर कहता है कि वो उनके अपने बेटे की तरह है। छात्र झांसे में नहीं आता और उल्टा सवाल करता है कि क्या आप अपने बेटे को भी आतंकवादी कहना पसंद करेंगे? ना कहने पर वो फिर सवाल करता है, तो आप किस प्रकार सारे लोगों के सामने मुझे उस नाम से जोड़ रहे हैं? आप एक प्रोफेसर हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। प्रोफेसर की क्षमा याचना पर वो कहता है, सिर्फ माफी मांग लेने से किसी की सोच नहीं बदलती, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इस वीडियो में गुरु और चेले का स्थान बदला हुआ नजर आता है। आमतौर पर उस्ताद डांटता और शागिर्द क्षमा याचना करता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट गया। छात्र की आखिरी नसीहत ने तो प्रोफेसर को पानी पानी कर दिया। क्लास में उपस्थित कोई छात्र शिक्षक के समर्थन में आगे नहीं आया, बल्कि अपनी खामोशी से उन्होंने छात्र का समर्थन ही किया। कॉलेज प्रोफेसर को निलंबित करके इंक्वायरी बिठा दी गई है और ये घोषणा भी की गई है कि ऐसे व्यवहार को माफ नहीं किया जाएगा, नियम कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।
इस वीडियो पर ट्विटर में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उपासाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने लिखा कि भारत में एक प्रोफेसर क्लास के अंदर एक मुसलमान छात्र को आतंकवादी कहकर पुकार रहा है। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा होता है। मशहूर पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी इसे लज्जास्पद कहकर लिखती हैं कि नरेंद्र मोदी के भारत में रोज इस तरह की घटनाएं घटती हैं। अल जजीरा के सैफ खान लिखते हैं, आतंकवादी कहना कोई मजाक नहीं है, उस शिक्षक को नौकरी से निकाल देना चाहिए। दी हिंदू के संवाददाता सैयद मोहम्मद ने कहा कि मुसलमान छात्र के साथ शिक्षक भेदभाव करते हैं। इस बहादुर छात्र को ये समर्थन इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने अपमान सहन नहीं किया और उसके खिलाफ विश्वास के साथ रोष प्रकट किया। वो अगर सदमे का घोट पीकर सो जाता तो कोई उसकी समर्थन में नहीं आता, क्योंकि ये दुनिया बहादुरों का साथ देती है। शिक्षा संस्थान में इस्लामोफोबिया की दूसरी घटना राजस्थान के बलोतरा कॉलेज में घटी, जहां एक मुस्लिम छात्रा की उपस्थिति में प्रोफेसर ने क्लास में सांप्रदायिक कमेंट्स किए। उसने पहले तो क्लास में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में गलत बातें कही और उसके बाद कॉलेज के दूसरे कायर छात्रों ने उस अबला छात्रा का समर्थन करने के बजाय उसे पुलिस थाने में शिकायत करने पर भयानक अंजाम की धमकी दे दी। बीए के पहले साल की छात्रा हसीना बानो ने वीडियो पर इस घटना का विस्तार से विवरण किया। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हसीना बानो नाम है मेरा, मैं एमबीआर कॉलेज से हूँ, बीए फर्स्ट ईयर से, और हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हमारी। 150-200 बच्चे बैठे थे तो टीचर ने बोला कि मतलब गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफ्ताब ने सरदा के 35 टुकड़े कर दिए और उनको रैम तक नहीं आई। मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रैम तक नहीं आई। फिर ऐसे अचानक पूछ ले यहाँ पे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम तो कोई नहीं है। तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि हाँ यहाँ पे बैठी है मुस्लिम। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गए, आपको पता है मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा और दो को मारेंगे तो जन्नत मिलेगी। और यहाँ तक के फिर बोले ये हमको काफिर कहते हैं और ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और ये हमारे खिलाफ है, इनसे मतलब दूर रहो। यहाँ तक के फिर मैं वहां से उठ गई, बोले कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला आप सर कह कैसे रहो, ये चीज है टॉपिक के अंदर चल रही है क्या? तो बोले नहीं टॉपिक में नहीं चल रही, तो मैं आप कैसे कह रहे हो? तो कि कुरान में लिखा हुआ है। मैंने बोला कुरान में लिखा हुआ मैं पढ़ी हुई, बताओ मुझे कहाँ को लिखा हुआ कुरान के अंदर। तो कि मैं लाके बताऊंगा कुरान में लिखा हुआ है। तो मैं वहां से निकल गई। जब मैं ऑफिस के अंदर जाके मैंने बताया तो वहां पे भी कोई एक्शन नहीं लिया, बोले यहीं पे बात दबा दो और बात बाहर मत जाने दो। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मेरे को मुंह पे मेरे गेट बंद कर दिया, बोले इस लड़की को बाहर मत जाने दो, अगर बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो और बात को यहीं खत्म कर दो। जितने में राजू चौधरी आया, राजू चौधरी ने बोला तू अगर थाने जा सकती है तो जा, थाने जाके दिखा, फिर हम तेरे साथ में क्या करते वो तो देख लेना। और तुम, मैं खुद कहता हूँ कि तुम मुस्लिम हरामी हो, हराम जाते हो, सब मीट खाते हो और हरामी हो, और मोहम्मद पैगंबर साहब की नस्ल हो तुम, तो तुम कभी सही नहीं रह सकते। ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला तू इतना मत बोल तू, और यहाँ पे मैं थाने जाऊंगी, फिर बाहर निकले तो बस मेरे को एक बार, तो मैंने बोला जा बाहर जाके दिखा। ऐसे करके मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी उसने। फिर गाड़ी चढ़ाने के बाद में बोले लड़की को अंदर लो। कॉलेज के अंदर 2 घंटे मेरे को बैठा के रखा, बोले बाहर चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के और क्या करेंगे तेरे साथ में। मेरे को जबरदस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने। फिर मैंने बाहर निकलने के लिए मैंने हाँ बोला, ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बाहर जाके। फिर मैं जब बाहर आई तो सारे लड़के मेरे आसपास घूमते रहे कि अगर घर पे नहीं तू घर पे गई तो ठीक है। हसीना ने कहा कि इतिहास के लेक्चरर ने मुसलमानों को आतंकवादी कहकर उनकी भावना को ठेस पहुंचाई। लेक्चरर ने कहा कि आफताब ने अपनी हिंदू प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े कर दिए क्योंकि मुसलमान मांस खाते हैं और क्रूर होते हैं। उनके धर्म की शिक्षा है कि एक हिंदू को काटोगे तो ये हज के बराबर होगा और दो को काटोगे तो स्वर्ग मिलेगा। इस पर वो यानी हसीना क्लास से उठकर जाने लगती है। तो इस पर शिक्षक उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। उस छात्रा ने कहा आप मेरे धर्म के बारे में गलत बात नहीं कह सकते। शिक्षक ने ढिटाई दिखाते हुए कहा यह कुरान में लिखा है। हसीना बोली ये झूठ है, कुरान में ये नहीं है। ये सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। इसके बाद वो क्लास से बाहर आई तो कायर छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर दिया और उसे 2 घंटे वहां रोके रखा और घेर कर धमकी दी कि अगर पुलिस थाने जाओगी
तो सब मिलकर उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। इस तरह यह साबित हो गया कि आफ्ताब से खतरनाक तो ये भेड़िए हैं जो खुलेआम झुंड की शक्ल में एक अकेली लड़की को डरा रहे हैं। एक ने तो मोटरसाइकिल से हसीना का पैर कुचल दिया। बात फैली तो खुद पुलिस अफसर हसीना के घर आ गई और बयान लिखवा कर कार्रवाई का विश्वास दिलाया। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हसीना ने उच्च अधिकारियों से मिलकर मेमोरेंडम दिया। उसने अपनी वीडियो में कहा कि ऐसे शिक्षक हिंदू युवाओं की भावना विचलित करते हैं और वो मुस्लिम छात्रों से तकरार करते हैं। हसीना बानो ने बेधड़क उस शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस वीडियो से पता चलता है कि पुलिस कार्रवाई के डर से जो लोग हसीना को भयभीत करना चाहते थे वो अपने उद्देश्य प्राप्ति में विफल हो गए। ये दोनों उदाहरण इस बात का सबूत है कि नई पीढ़ी न डरेगी और न झुकेगी। वो अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार का डट कर मुकाबला करेगी और उसी की यश प्राप्ति होगी। इस संघर्ष में समाज के सारे न्यायप्रिय लोगों का ये कर्तव्य है कि वो अत्याचार का विरोध करें और इसके खिलाफ लड़ने वाली युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन करें, वरना घृणा और नफरत का ये जहर पूरे समाज को खा जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।